सो हे वाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है बंदा आर्यन नंदा और आज के चैनल नंदा बॉय। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम बनाने वाले रोज वीडियो फिर से एक बार हमारे ही सेटअप पे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा देना। कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो आज हम बात करने वाले कैसे रियलिटी शो के बारे में जिसका विनर कौन है वो किसको नहीं पता, तो लूजर कहां से पता होगा। और उसी एक लूजर में से एक आजिम रियाज के बारे में आज हम बात करने वाले। कोई इंग्लिश सीखने के लिए आर्टिस्ट मूवी देखता है और अगर बॉडी बनानी हो तो सत्तू पाउडर खाता है, तो आजिम रियाज बनता है। लिटरली में शौक हो गया कि बिग बॉस में हारा हुआ इंसान खतरों के खिलाड़ी में कैसे जाके जीत सकता है। लिटरली मैंने भाई को ऐसा मैसेज भेजा था कि भाई तू टट्टी है भाई, 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 टट्टी है भाई। लिटरली मैंने उसको मैसेज किया कि भाई तू नाक कटवाना उधर मत जा, नक कटाएला उड़ा न बेन। लिटरली भाई ऐसा मैसेज भेजा मैंने उसको, पर भाई रिप्लाई नहीं आया। भाई खतरों के खिलाड़ी एक लौता ऐसा शो है जो शूट शुरू होने से पहले साफ सफाई नहीं करता, उल्टा उधर कचरा ज्यादा डालता है, और उसमें एक आजिम रियाज को भी डाल दिया। और हाँ, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस है ना, दोनों हाथ पकड़ के ऐसे चलते हैं। मतलब भाई अगर खतरों के खिलाड़ी कैंसर है ना तो बिग बॉस डायबिटीज बन जाएगा, और इसलिए आजिम रियाज दोनों भी लूजर बन गया। ये कौन है भाई और बहनों, उड़ती उड़ती खबर आ रही है। आजिम रियाज ने खतरों का खिलाड़ी छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं लात मार के निकाला गया उसको, क्योंकि भाई आजिम रियाज को तमीज़ ही नहीं है बात करने की, क्योंकि ये वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा कि उसने खतरों के खिलाड़ी के होस्ट से कैसे बात की है। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदल। देखो भाई आजिम रियाज ने बहुत सारी मूवी में सपोर्टिंग रोल काम किया है, पर भाई यहाँ पे आके घमंड करना ये अच्छी बात नहीं है। लड्डू संचारी दे ऐसा घमंड, वो भी रोहित शेट्टी के सामने जो कि सर्कल जैसी मूवी में पैसा डुबा कर भी करोड़पति है। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। भाई तो 6 महीने में 6 गाड़ी बदलता हूँ या फिर 12 गाड़ी बदलता हूँ, पर भाई रोहित शेट्टी जितने अपनी फिल्म में गाड़ी बदलते हैं ना उतना तेरा औकात भी नहीं है। सर से जो सर की वो धीरे धीरे। देखो आजिम रियाज के बारे में एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कि आजिम रियाज कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। और एक बात मैं आजिम रियाज की बताना चाहूंगा कि भाई आजिम रियाज है ना फेंकने में बातें करने में बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही मतलब इतना फेंकता नहीं है कभी। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। ना ही उसके पास इतना पैसा है जो वो घमंड करेगा। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। छोड़ो ना यार उन बातों को छोड़ो यार। तो आजिम रियाज के लिए मुझे एक लाइन याद आ रही है अपने दिमाग में। तो आजिम रियाज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई एक शब्द एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि भाई सदर जितनी हो ना उतने ही पैर फैलाओ। आजिम रियाज जय आजिम।